हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मैथ विद नूर। टुडे वीडियो इज गोना बी अबाउट क्लास 8 चैप्टर 1 रैशनल नंबर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। हमारे पास नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमारे पास काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर डैट मीन्स 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। अब हम बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, आप कैसे लर्न करोगे इसको। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में क्या आता है हमारे पास, होल। होल कैसा होता है हमारे पास, सर्कल के टाइप का। डैट मीन्स 0 से स्टार्ट होंगे होल नंबर हमारे पास। 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। अब हम क्या करेंगे, इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, किस टाइप के होते हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ये क्या रहते हैं हमारे इंटीजर्स। और रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर हमारे किस टाइप के रहते हैं, पी अपोन क्यू फॉर्म के। रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, जो हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म के रहते हैं, बट उसके अंदर हमारे पास एक कंडीशन रहती है, क्यू क्या होना चाहिए हमारे पास, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। रैशनल नंबर हमारे कैसे होते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म के होते हैं, बट क्या कंडीशन रहती है, क्यू जो होना चाहिए वो हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्यू हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। डैट मीन्स जब हमारा क्यू 0 के इक्वल हो जाएगा, सपोज यहाँ 1 है यहाँ 0 है, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। डैट मीन्स उन्होंने बोल दिया रैशनल नंबर हमारे किस टाइप के होते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म के रहेंगे हमारे पास रैशनल नंबर। और हमारे पास क्या कंडीशन रहेगी, क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होता है हमारे पास। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। आप ये भी बोल सकते हो जैसे रैशनल नंबर है हमारे वो किस फॉर्म के रहेंगे, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किस टाइप की होती है हमारे पास, 1/2, 3/2, इस टाइप की फ्रैक्शन रहती है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं रैशनल नंबर का। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया 1/2, 3/8, ये भी क्या मेरे पास एक रैशनल नंबर, 11। 11 क्या मेरे पास रैशनल नंबर है, यस 11 मेरे पास रैशनल नंबर है। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 11/1, पी अपॉन क्यू फॉर्म तो बन गई है मेरे पास ये। डैट मीन्स 11 भी क्या है मेरे पास रैशनल नंबर है, 8 भी मेरा रैशनल नंबर है, अप टू सो ऑन। क्योंकि 11/1 क्या होता है, 11 ही होता है, और पी अपॉन क्यू फॉर्म भी बन रही है मेरे पास, ये क्या हुआ मेरे पास, ये रैशनल नंबर हुए। अब आप कहोगे इंटीजर्स में नेचुरल नंबर की जब हमने बात की तब हमारे पास क्या हुआ, 1, 2, 3 काउंटिंग नंबर आए। होल नंबर की जब हमने बात की 0 से स्टार्ट हुए हमारे पास, पर जब हमने इंटीजर्स की बात की हमारे पास ये नेगेटिव नंबर कहाँ से आ गए, नेगेटिव नंबर हमारे पास कहाँ से आए। हम क्या करते हैं जब नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं, ये क्या हुई हमारी नंबर लाइन। हमने क्या किया, नेचुरल नंबर्स को जब हम इसके ऊपर लिखेंगे नंबर लाइन के ऊपर, हम कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह हम लिखते जाएंगे। जब होल नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर लिखेंगे, हमने क्या किया नंबर लाइन बनाई और उसके ऊपर हमने होल नंबर लिखने स्टार्ट किए, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते जाएंगे हमारे पास। बट जब हम इंटीजर्स को कैसे लिखेंगे नंबर लाइन के ऊपर, हमने क्या करना है, ये हमने क्या किया एक नंबर लाइन बनाई इंटीजर्स में। जब हम इंटीजर्स को हम नंबर लाइन के ऊपर लिखते हैं, 0 तो हमारा रहता है सेंटर में, लेफ्ट हैंड साइड हमारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, राइट हैंड साइड हमारे पॉजिटिव नंबर होंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे क्या होंगे, नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3, और राइट साइड क्या होंगे हमारे पॉजिटिव नंबर, 1, 2, 3। इंटीजर्स में
इंटीजर्स के होते हैं हमारे पास, -3, -2, -1, 1, 0, 2 इस टाइप के होते हैं, तो हम इसको नंबर लाइन के ऊपर कैसे मेंशन करेंगे, इस तरह। और ये क्या हुआ मेरे पास रैशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। रैशनल नंबर को हम कैसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज ये क्या है मेरे पास यहाँ 0, सेंटर में क्या रहती है 0, इस साइड ये क्या हुआ मेरा 1/2, यहाँ मेरा हुआ 1, और फिर इस साइड नेगेटिव नंबर रहते हैं यहाँ -1/2, और यहाँ क्या हुआ मेरा -1। 1/2 मतलब 0.5, 0 फिर 0.5 आएगा और फिर क्या आएगा मेरे पास 1। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर हमारे पास क्या कहती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स आर सबसे पहले हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास होती है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास ये फोर प्रॉपर्टीज़ होती हैं रैशनल नंबर की। अब हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमारे पास, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कोई भी दो रैशनल नंबर लो अपनी मर्जी से, कोई भी दो रैशनल नंबर लो और उसके ऊपर आप ऑपरेशन लगाओ। जब आप उसके ऊपर ऑपरेशन लगाओगे, ऑपरेशन क्या होंगे हमारे पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये हमारे पास ऑपरेशन होंगे। कोई भी दो रैशनल नंबर लेंगे हम, उसके ऊपर क्या करेंगे ऑपरेशन लगाएंगे, तब हमें एक रैशनल नंबर ही मिलना चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, ये बोलती है। आप ऐसे लिख सकते हो क्लोजर प्रॉपर्टी को, इस टाइप की होती है a+b। आपने क्या करने हैं, दो रैशनल नंबर लेने हैं, आपने क्या करना है दो रैशनल नंबर, सपोज आपने a क्या लिया 1/2 और b क्या लिया 3/2। आपने क्या किया, दो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, कोई भी दो रैशनल नंबर लो और उसके ऊपर ऑपरेशन लगाओ आपको क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर मिलना चाहिए, तब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। जब हमने दो रैशनल नंबर लिए उसके ऊपर ऑपरेशन लगाया एडिशन का, 3+1 क्या हुआ 4, डिनोमिनेटर हमारा सेम है इसलिए हमने लिख लिया, हमें क्या मिला 2। 2 क्या मेरे पास एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ 2/1। डैट मीन्स क्या मिला मुझे, रैशनल नंबर ही मिला। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, कोई भी दो रैशनल नंबर लो उसके ऊपर आप ऑपरेशन लगाओ तो आपको ऑपरेशन लगाने के बाद रैशनल नंबर मिलना चाहिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी जब हम चेक करेंगे तब हम एडिशन को ऑपरेशन लगा के देखेंगे, सब्ट्रैक्शन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर डिवीजन का। यहाँ पर तो मैंने एडिशन का ही लगाया ना, फिर आप क्या करोगे दो नंबर लोगे माइनस करके देखोगे उन दो नंबर्स को, क्या होल्ड करती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ऐसे आप चेक करते जाओगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है, हम क्या चेक करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, a+b, b+a के इक्वल होना चाहिए। डैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हम क्या करेंगे, दो नंबर लेंगे, कोई भी दो नंबर लेंगे उसको ऐड करेंगे, बट वो कैसे नंबर होने चाहिए, रैशनल नंबर होने चाहिए। कंडीशन क्या हमारे पास, रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज़ किसकी है, रैशनल नंबर की, इसलिए हमें नंबर भी कैसे लेने हैं, रैशनल नंबर लेने हैं। दो रैशनल नंबर लेंगे उनको ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा राइट हैंड साइड आना चाहिए, तभी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करेगी, होल्ड करेगी। सब्ट्रैक्शन के केस में यहाँ माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में यहाँ हमारा मल्टीप्लाई आ जाएगा, डिवाइड के केस में हमारा यहाँ डिवीजन का साइन आ जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बोलती है हमें, a+b+c किसके इक्वल होना चाहिए हमारे पास, a+b+c। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होना चाहिए, a+b+c किसके इक्वल होगा,
ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करेंगे प्लस ए की मल्टीप्लाई सी के साथ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें हमारी कंडीशन क्या रहती है, ए प्लस बी चेक करना है हमें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, यहाँ पे हम ऑपरेशन लगा के देखते रहेंगे, एडिशन का चेक करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लगा के हम दो नंबर लेके चेक करते रहेंगे। ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें इस टाइप की कंडीशन, ये कंडीशन रहेगी हमारे पास। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास इस टाइप की कंडीशन रहेगी, ऐसे हमें चेक करना है। आई होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।